अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये रात के 1 बजे का मंजर है, इसराइल का मंजर है। इसराइल के ऊपर हमला कर दिया गया है और ये कोई फेक और नकली वीडियो नहीं है बल्कि रियल वीडियो है। अभी अभी कुछ देर पहले का वीडियो है और इसकी तस्दीक खुद इसराइल ने भी कर दी है। कितने भी रॉकेट्स मार ले, इसराइल इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर है। इसराइल का कहना है कि उन्होंने डिफेंस तैयार कर लिया है और जो भी रॉकेट्स इसराइल की तरफ आएंगे लेबनान को उसका जवाब देना पड़ेगा। नॉर्दर्न इसराइल में यह हमला हुआ है। दूसरे कंट्रीज़ की जानिब से भी इसराइल के ऊपर हमला हो सकता है। इसी वजह से यूएस ने ऑर्डर दिया है तमाम यूएस की एयरफोर्स को कि इसराइल को डिफेंड करने के लिए जाना पड़ सकता है, इसी वजह से तैयारियां कर ली जाए। यह नौजवान का नाम है गुलजार शेख। पुलिस की जानिब से इस नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि यह यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ बनाकर डाल रहा था। किस तरह के वीडियोज़ डाल रहा था यहाँ पर आप देख कर हैरान हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन ऑफ करके ये इस तरह के वीडियोस डाल रहा था, 2 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर बना लिया। अभी देखिए पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक 1 अगस्त 2024 को एक ट्वीट के माध्यम से प्रकरण संज्ञान में आए हैं, जिसमें गुलजार शेख नामक व्यक्ति अपने यूट्यूब चैनल पे रेलवे ट्रैक पर विभिन्न वस्तुएँ रखकर वीडियो अपलोड करता था। इस व्यक्ति के विरुद्ध में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, 233/24 थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर रेलवे सुरक्षा बल को सुपुर्द किया गया है। वह इसके विरुद्ध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये KCR के बेटे KTR है, आज ये प्रोटेस्ट कर रहे थे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं असेंबली के मार्शल्स ने इन्हें पुलिस की प्रिवेंटिव कस्टडी में दे दिया। తెలంగాణ బిడ్డలు అవమానించిన ముఖ్యమంత్రి వెంటనే ఒక తప్పదు ముమ్మాటికి ఈ ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ ఆడబిడ్డలకు క్షమాపణ చెప్పేదాకా వదిలిపెట్టం సీఎం 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 మీ మేనేజర్ మీ మేనేజర్ ముఖ్యమంత్రి వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి తెలంగాణ మహిళా లోకానికి। कई राइट विंग के पेजेस ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुस्लिम लेडीज़ कांवड़ यात्रा अटेंड करने के लिए जा रही है। अब देखिए कांवड़ यात्रा चल रही है और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो लोग ये समझ रहे हैं कि ये अभी का वीडियो है, लेकिन वीडियो क्वालिटी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये वीडियो अभी का नहीं है, कई साल पुराना है। और उन लेडीज़ की ये फ़ोटो भी मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2015 का वीडियो है, यानी कि करीब 9 साल पुराना वीडियो। 2015 वाली फ़ोटो में ये पीली साड़ी वाली आंटी को देखिए, अब देखिए जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें भी ये आंटी मौजूद है। ये नोमान मसूद है। सोशल मीडिया के ऊपर लोग कह रहे हैं कि ये माफी मांगे क्योंकि इन्होंने हजरे अस्वद को शिवलिंग से कंपेयर किया है। सबर पर और समझने का फिर है, जिसे ये लोग शिवलिंग कहते हैं हम लोग उसे हजरे अस्वद कहते हैं, जिसे शिवजी जन स्वर्ग से लेकर के आए थे उस पत्थर का नाम शिवलिंग है। और दूसरी तरीके से देखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर को जन्नत से लेकर आए थे उसको हजरत अस्वद कहते हैं। हम उसे चूमते हैं, प्यार करते हैं, उसके प्रतीक सारी दुनिया में लगे हुए। तो आप लोग क्या राय है इससे मुताबिक कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में लिखा दूंगी। अल्लाह हाफिज।